हम लोग बहुत एक्साइटेड है कोहली के लिए। आई हूँ मैं तो, कोहली चलेंगे, रोहित चलेंगे, आई एम प्रीटी श्योर एसएसबी बहुत अच्छा खेलेंगे, इंडिया ही जीतेगी। कानपुर भी इतने टाइम बाद मैच हो रहे हैं तो डेफिनेटली इंडिया जीतेगी। जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, भारत माता की। पहला मैच हम जीत चुके हैं चेन्नई में जो हुआ था, और बहुत अच्छे मार्जिन से जीते थे। टीम इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, और बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पे कानपुर में भी होने की उम्मीद है, क्योंकि थोड़ा बारिश का साया बना हुआ है, बस बारिश नहीं होनी चाहिए। और जैसे मैच शुरू होगा, जैसे टीम इंडिया ने परफॉर्मेंस किया, अगर पहले बल्लेबाजी टीम इंडिया करती है तो 500 से ऊपर यहाँ स्कोर होना चाहिए। और रोहित शर्मा, विराट कोहली का शतक जो नहीं देखने को मिल रहा है, वो इस ग्राउंड पे देखने को मिले। कानपुर में बहुत ऐतिहासिक मैच होने जा रहा है, क्योंकि 3 साल बाद यहाँ पे मैच पड़ा है, और बेटर उम्मीद है टीम इंडिया अच्छा परफॉर्म करे और टीम इंडिया जीते अच्छे मार्जिन से। तो बस यही कहेंगे, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, भारत माता की। आज जय सवाल कमाल करने वाला भाई, देखना चपके खेलेगा बंदा, इंडिया। टॉस जीतेंगे तो जो भी टीम करेगी पहले बोलिंग करेगी मुझे लगता है, लेकिन बॉलिंग देखने की उम्मीद है कि जो भी बैटिंग हो बॉलिंग हो हमें अच्छा हमें देखने को मिले, और हम बहुत एंजॉय करें। और हम विराट कोहली को देखने आए हैं, और हम दिल्ली से आए हैं मैच देखने के लिए, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड है। तो किसने ज्यादा विश्वास है? नहीं, कोहली चलेंगे सारे पे, लेकिन कोहली के लिए आई हूँ मैं तो, कोहली चलेंगे, रोहित चलेंगे, आई एम प्रीटी श्योर एसएसबी बहुत अच्छा खेलेंगे, तो लेट्स सी। लगता दूसरा भी इंडिया जीतेगी, इंडिया ही जीतेगी। कानपुर भी इतने टाइम बाद मैच हो रहे हैं तो डेफिनेटली इंडिया जीतेगी। टीम इंडिया ये सेकंड टेस्ट मैच जीतकर टेस्ट चैंपियनशिप में बने रहे, और जो आगामी न्यूजीलैंड की टूर है 3 टेस्ट मैच वो भी जीतेंगे, यानी भारत में 5 टेस्ट 5-0 से जीतेंगे, और इसी वजह से हम लोग टेस्ट चैंपियनशिप 2025 में 2025 में जून 11 से 15 लॉर्ड्स में खेले जाने वाले WTC में हम लोग भाग लेंगे, और डेफिनेटली पहली बार तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट साउथहैम्पटन में, दूसरी मैच ओवल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों, लेकिन इस बार हैट्रिक नहीं होने देंगे। टीम इंडिया की जीत पक्की है।